राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने ये साबित भी कर दिखाया है। दिल्ली के राजपार्क थाना पुलिस ने अपने स्लोगन दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस को भी सार्थक कर इसका एक जबरदस्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। बाहरी जिले के DCP से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल कर एक हंसते खेलते परिवार की खुशी भी दोगुनी कर दी है। दरअसल पूरा मामला बीते 6 अप्रैल का है, जहां बाहरी जिला के राजपार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगोलपुरी के यू ब्लॉक से 3 साल की मासूम बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद राजपार्क थाना पुलिस समेत बच्ची के परिजनों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपार्क थाना SHO अशोक कुमार के नेतृत्व में ASI अजय कुमार, हेड कांस्टेबल राजेश समेत कांस्टेबल घनश्याम, ओमवीर, अजय व निशि आदि की एक टीम गठित की गई। चूंकि मामला 3 साल की मासूम बच्ची के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का था, तो इसलिए पुलिस पहले से ही अपहरण के एंगल से भी जांच कर रही थी। पुलिस टीम ने भी अपनी सक्रियता दिखाते हुए बच्ची को ढूंढने का काम शुरू कर दिया और आसपास के सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर घटनास्थल के करीब लगे दर्जनों कैमरों की CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें एक फुटेज में उक्त बच्ची के साथ एक महिला की धुंधली तस्वीर देखने को मिली। स्टेशन राजपार्क में 6 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास एक PCR कॉल रिसीव हुई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है या कॉलर है, उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची उनके घर के सामने, वो यू ब्लॉक में रहते हैं, मंगोलपुरी का यू ब्लॉक पुलिस स्टेशन राजपार्क के अंतर्गत आता है, तो उसमें उनकी बच्ची उनके घर के सामने बने हुए एक पार्क में खेल रही थी कुछ और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ। और जब उनकी पत्नी ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी घर वापस बुलाने के लिए, तो वो बच्ची उसको नहीं मिलती है। तो इसमें पुलिस से मदद की गुहार थी कि मदद की जाए और बच्चे को तलाशा जाए। अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कहेंगे, 6-7 के बीच में एक फुटेज में एक दंपत्ति ऐसी नज़र आती है जो थोड़ी सस्पेक्ट लग रही थी, और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। उस बच्चे के कपड़े दूर से ऐसे देखने में प्रतीत हो रहे थे कि शायद जो बच्चा मिसिंग है, जो हमारे मुकदमे में बच्चा रिक्वायर्ड है, ये उसके ना हो। CCTV फुटेज में दिख रही संदिग्ध महिला की पुलिस ने गहनता से खोजबीन की और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उस तक पहुंच गई, जिसकी पहचान रवि और उसकी पत्नी के रूप में हुई। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि एक महेश नाम के शख्स ने पैसे के बदले इस काम करने को कहा, जिसके बाद महेश को भी गिरफ्तार किया गया। महेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि राम प्रसाद नाम के शख्स ने अपनी बहन को बच्चा देने के लिए यह काम उन्हें सौंपा था, जिसके बाद राम प्रसाद को गिरफ्तार कर बच्ची को राजपार्क पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 84,500 रुपये की नकद राशि भी बरामद की गई है। तो पता लगा कि वो दोनों रवि और उनकी पत्नी हैं जो उस फुटेज में थे। उनसे पूछा गया तो और उनके घर में पड़ताल की गई तो वो बच्चा नहीं मिला। तो उस पूछताछ के दौरान दे फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड कि उनका एक जानने वाला है जिसका नाम महेश है। ये महेश जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है पिछले कुछ सालों से। उस महेश ने इनको ये एक प्रलोभन दिया था कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, बदले में आपको मुझे 5 साल तक का एक बच्चा लेके ला के देना है, प्रोवाइड करा। तो इस पूरे घटनाक्रम में राम प्रसाद ने 1,00,000 रुपये देने का वादा किया था महेश को, तो उसमें से 84,500 रुपये रिकवर किए गए हैं। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, पेरेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया है और इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बच्ची के परिवार ने बताया कि उनकी मासूम को अपहरण करने वाले दंपत्ति ने 1,00,000 रुपये में अपने पति से अलग रहने वाली महिला को बेच दिया गया था, जिसकी कोई औलाद नहीं है। फिलहाल 3 साल की ये मासूम बच्ची अब अपने परिवार के साथ है और हंस खेल रही है। वहीं अब मासूम बच्ची के परिजन राजपार्क थाना पुलिस की इस कामयाबी के बाद पुलिस टीम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और हाथ जोड़कर परिवार दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कर रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस घटनाक्रम में राजपार्क थाना पुलिस की कार्यशैली काबिले तारीफ है, क्योंकि पुलिस ने जिस तेजी के साथ काम किया उससे एक मासूम ना केवल अपने परिवार को सकुशल वापस मिल गई, बल्कि बच्चे के साथ होने वाली अनहोनी को भी रोक दिया गया, जिसके बाद से परिवार अब पुलिस को अपने लिए भगवान तक बता रहा है। ये मिली वीडियो रात को जब देखा गया कि भाई कैमरे के अंदर के लड़की को एक लेडीज और एक जेंट्स लेके जा रहे हैं। लड़का जेंट्स तो चला गया था सीधा गली से और लेडीज सीधी जाकर वापिस आ रही थी रिटर्न होकर।
तो जब वीडियो में आया एक थाली गई और फिर लड़की बच्चे को लेती हुई आई है और फिर कैमरे कैच हुई, फिर उस कैमरे के जरिए पता नहीं पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा करा है, पूरे सहयोग किया है और मैं उनका आभारी हूँ इस बारे में। बस पुलिस वालों की बहुत मेहरबानी हुई मेरे ऊपर, बस पुलिस वालों की, पुलिस वालों ने मुझे मेरी बेटी वापस ले दी। हाँ जी, बस पुलिस वालों ने वो कराए। बहरहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि पकड़े गए लोगों में से दो लोग एक निजी अस्पताल में बतौर वार्ड बॉय का काम करते थे। ऐसे में आशंका है कि उन्होंने इस तरह से किसी अन्य वारदात को तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राजपार्क थाना पुलिस ने महज 48 घंटे में ही एक मासूम के ब्लाइंड अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए उसे उसके परिवार को सौंप कर जो खुशी परिवार को लौटाई वो काबिले तारीफ है और दिल्ली पुलिस के स्लोगन दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस को भी सार्थक कर दिया है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।